नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में वृश्चिक राशि वालों। इसे कहते हैं कुदरत की करिश्मा। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। जी हाँ, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो बड़ी चीज आपको प्राप्त होने वाली है, इसे प्राप्त करके आप अपने दोनों आंखों से खुशी के आंसू नहीं रोक पाओगे। जी हाँ, और यह बात मैं पूरे दावे के साथ लिख कर देता हूं। इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आपको मिलने जा रही है जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपके घर में पधारने वाले हैं, आपके घर में विराजमान होने वाले हैं और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती चीज आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ा चमत्कार आपने अपने जीवन काल में आज तक नहीं देखा होगा। जो चमत्कार अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशि वालों के जीवन में होने वाला है। जी हाँ, अब वह समय आ चुका है जब आपका पूरा परिवार एक साथ खुशी से झूम उठेगा, खुशी से नाच उठेगा। जी हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और यह देवता आपके घर आते जाते रहते हैं, आपके पूरे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं। जी हाँ, और आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा सा भी भनक आपको नहीं है, और जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपका दिल और दिमाग दोनों कांपने लगेगा थर थर। जी हाँ, तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो में हम आपको वह सारी सच्चाई बताने वाले हैं जो सच्चाई आपसे छुपी हुई है। जी हाँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय हो कुबेर महाराज जरूर लिख दें। यदि आप धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी के सच्चे भक्त होंगे तो आप भगवान कुबेर महाराज जी का अनादर नहीं करेंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो बड़ी चीज, जो बड़ी खुशखबरी, जो बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला है, यह चीज आपको कब का ही मिल जाता। जी हाँ, क्योंकि यह देवता कई बार आपके घर पर आए हैं लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाए, फिर वह देवता घूमकर वापस चले गए। अगर आप समय रहते समझ जाते, उनके संकेत को जान जाती, तो यह बड़ी चीज आपको कब का ही मिल जाता। जी हाँ दोस्तों, आप जब जब भगवान को पुकारते हैं, आप जब जब ईश्वर को याद करते हैं, तब तक भगवान आपकी पुकार सुनते हैं, तब तब आपकी अर्जी स्वीकार होती है, लेकिन आप उसे पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है कि भगवान मेरी परेशानियों को देखता नहीं है, मेरी परेशानियों को कम नहीं करता है, और यही सब सोच सोच कर आप नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान आपकी परेशानियां देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन आप भगवान के इशारों को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, अब आपको अपने जीवन काल में लापरवाही करने से बचना होगा, अब आपको अपने जीवन काल में मनमानी करने से बचना होगा। जी हाँ, क्योंकि आप सब कुछ भगवान के मन मुताबिक होगा, भगवान की मर्जी से होगा, अब जो चाहेंगे सब भगवान ही करेंगे, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखते जाइए आपका जीवन में क्या क्या चमत्कार होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर 5 बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ, आप नहीं, बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किस समय रहते यदि आप नहीं जानोगे और नहीं समझोगे तो आपके हाथ से बहुत बड़ा मौका चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, ऊपर वाले का जब निराला खेल शुरू होता है तब जीवन में कुछ से कुछ होने लगता है। जी हाँ, असंभव चीज भी संभव होने लगता है, क्योंकि ऊपर वाली की महिमा अपरंपार होती है। यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी का साक्षात आपके दर्शन होने वाला है। जी हाँ, और धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी खुद अपने हाथों से आपको बहुत बड़ी कीमती चीज देंगे। जी हाँ, इसलिए वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों,
इस दिन आपकी सेहत, वित्तीय निर्णय, रिश्तों में संवाद और नए अवसरों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यह दिन आपको अपने जीवन में नई दिशा देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को अगर आप नजरअंदाज कर देंगे तो यह आपके लिए बड़ी चुनौतियां ला सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किन बातों के ऊपर आपको खास ध्यान देना चाहिए और कैसी यह दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह दिन आपके लिए बेहद ही खास है। जी हाँ, इस दिन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, एक बड़ी चुनौती लेकर आ सकती है। दोस्तों, आपकी किस्मत के सितारे कह रहे हैं कि इस दिन आपको प्यार और पैसा दोनों मिलेगा। वैसे तो समय सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्यार और पैसों के लिए स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको इतनी बड़ी कामयाब मिलेगी, इतनी बड़ी सफलता आपकी कदम चूमेगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्या हाल ही में आपके रिश्ते में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है, या क्या आप अपने करियर में वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अब आपकी सभी चिंताएं दूर होने वाली है। जी हां, क्योंकि आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक बहुत बड़े देवता आपके घर पर आ रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, इसे ही कहते हैं कुदरत की करिश्मा, क्योंकि बिना मांगे ही अब आपको सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, आपके कुंडली के ग्रह नक्षत्र और सितारे कह रहे हैं कि आज का दिन सबसे अलग और सबसे हटकर होने वाला है। जी हां, आज का दिन आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने करियर में प्रगति करेंगे, किस तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्या करने से आपका भाग्य उदय होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से जीवन अब आपका धन्य होने वाला है, जीवन अब आपका बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से वित्तीय हालत अब आपका सुधरने वाला है। जी हां दोस्तों, इस समय अवधि में आपको अपने जीवन काल में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। जी हां, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, धैर्य और समझदारी आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशि वालों के जीवन में जो होगा, यह सब देखकर आपके दुश्मनों की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, सिर्फ आप एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आपके दुश्मनों का जीवन सर्वनाश हो जाएगा। जी हां, क्योंकि ईश्वर के दरबार में आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, इसलिए ईश्वर अब आपके सभी दुश्मनों को सर्वनाश करने वाले हैं। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तंत्र विद्या का प्रभाव आपके पूरे घर में किया गया है, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है और हर हमेशा उत्पात मचा रहता है, किसी भी कामों में सफलता नहीं मिलती है, जिस कारण आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, मन में गलत गलत ख्याल चलते रहते हैं, गलत चीजों पर आपका ध्यान भटक जाता है। जब भी आप कुछ अच्छे कार्य करने जाते हैं, तब भी आपके मन में कोई ना कोई गलत ख्याल आ ही जाता है, कार्यों में आपके मन नहीं लगता है, बार बार ध्यान भटकता है, गुमसुम बनी रहती है, कुछ भी ना करने का मन नहीं होता है, करने की बातें दिमाग में घिरे रहते हैं, कंट्रोल करती हैं पर हो नहीं पाता है। नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा पूरे परिवार में फैली हुई है, बच्चों पर भी वही असर हुआ है, घर के जितने भी परिवार हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग परेशान रहते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुश्मन आपके घर का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, क्योंकि आज से ही आपके इन सभी चीजों में सुधार होने लगेगा, आपको अपने जीवन में लाभ होने लगेगा, आपको अपने जीवन में तरक्की होने लगेगा, बस आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। जी हां, वह काम है नवचंडी का पाठ। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें
आपकी घर की किसी एक सदस्य को बिठाकर उनसे नवचंडी का पाठ कर लेना है। आपके जीवन में जो भी तमाम परेशानियां चल रही हैं, कष्ट दुख तकलीफ या फिर नकारात्मक ऊर्जा का असर, सभी चीजों का निवारण हो जाएगा। जी हां, तो आपको जब भी मौका मिले यह चीज आप कर सकते हैं। यह नहीं कि हम आज बता दिए, तो आज ही करना है। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको फुर्सत हो, जब भी आपको टाइम मिले, तब आप कर सकते हैं। जी हां, इससे आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों का तो निवारण होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके जीवन में तरक्की भी होने लगेगी। आपके जीवन में जो भी कार्य रुके हुए हैं, सभी कार्य बनने लगेंगे, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और आप तरक्की की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। जी हां, तो आप इस कार्य को और इस उपाय को जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में पहली बार बनने जा रही है। इतना बड़ा महासंयोग जिस्म की आपको मिलेगी, बड़ी बड़ी खुशखबरी होंगे, बड़े बड़े लाभ होंगे, बड़े बड़े चमत्कार। जी हां, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी ने दिया बहुत बड़ा वरदान। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कहां कहां से आपको सफलताएं प्राप्त होगी, किन किन चीजों से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस प्रकार धन की प्राप्ति होगी, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके लिए बहुत अच्छे सुनहरे मौके लेकर आ रहे हैं और न्याय के देवता भगवान शनि देव जी भी आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, जब एक साथ दो दो बड़े देवता किसी के ऊपर मेहरबान हो तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ दो दो बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है और चमत्कार होने वाला है। जहां एक तरफ आपको अपनी किस्मत का साथ मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर का भी साथ मिलेगा। जी हां, दोनों तरफ आपके लिए खुशखबरी है। अब आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे, इसीलिए हमने कहा है कि अब आपके पास मौके ही मौके होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं, वह सभी अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कुंडली का लिखा कभी बदल नहीं सकता। चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कितना भी जोर जी जान लगा ले, लेकिन यह बड़ी घटना तो हर हाल में होकर ही रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि इस घटना से आपको लाभ होता है या हानि, यह जानना बहुत ही जरूरी है, और अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको लाभ होगा। जी हां, लेकिन जो जो बातें हम आपको बताएंगे, उन सभी बातों को आपके कान लगाकर ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हां, जो होना था हो गया, अब और नहीं। आप अपने जीवन में जितना दुख सहना था सह लिए, अब आप खुश हो जाओ। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के पर्चे में आखिर क्या क्या लिखा है और क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको प्राप्त होगा, उसके लिए आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, कौन से सावधानियां का पालन करना होगा और क्या उपाय करना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने उम्मीद से भी ज्यादा मिलने वाला है। जी हाँ, आपकी उम्मीद से बढ़कर आपके जीवन में लाभ होने वाला है। जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल भी छोड़ दी थी, वहां से भी धन लाभ होगा और वहां से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से गाड़ी भी मिलेगी, अब बांग्ला भी होगा, बड़े बड़े आलीशान भवन में अब आप राज करोगे। जी हाँ, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है। जी हाँ, जिससे कि आप अब सब जगह राज करने वाले हैं, और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप इस धरती पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, कोई छोटी मोटी काम करने के लिए धरती पर नहीं आए हैं। क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ठोकर खा रहे हैं, जितना दुख तकलीफ सा रहे हैं, यह सब निशानी है और यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगे। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज
कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की जब किस्मत खराब होती है ना तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांति दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का आप सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर ना करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। और हां, यात्रा भी कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूपवटी या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का या धन का दान जरूर करें, इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें। दोस्तों पूरे गली मोहल्ले में आपके नाम की डंका बजेगा। जी हाँ, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में एक शोक संदेश दो, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ, इसीलिए बंद कमरे में वीडियो बिल्कुल अकेले ही देखना, क्योंकि अगली 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमात्मा के घर से खुशियों का पैगाम आ चुका है, जो कि अगले 24 घंटे के अंदर यह बड़ी खुशखबरी आपको हर हाल में मिलकर रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। आपके ग्रह और सितारे संकेत दे रहे हैं कि यह घटना आपके जीवन में होकर रहेगी और इस घटना से आपकी जिंदगी 101% बदल जाएगी। जी हां, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी कि पूरे गली मोहल्ले में आपके नाम की चर्चा होने लगेंगे, आप सब जगह सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। जी हां, देवों के देव भगवान महादेव जी ने प्रचंड संकेत दे दिया है, अब आपको संभलने की जरूरत है, अब आपको सावधान होने की जरूरत है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधाता का लिखा नहीं बदला जा सकता, जब एक बार ऊपर वाले का कलम चल जाता है तो फिर वह होकर ही रहता है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह जो घटना आपकी जिंदगी में घटित होने वाली है, यह घटना आपके जीवन में ही बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है, अब आपकी किस्मत लंबी छलांग लगाएगी। जी हां दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक मंगलकारी घटना घटित होने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बार बार यही कहना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, वीडियो को बिना काटे बिना स्किप किए, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि के आधार पर निर्माण किया गया है। इसमें हम आपको अगले 24 घंटे का महाराशिफल तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अगले 24 के अंदर कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, कौन से उपाय करने से आपका भाग्य बदलेगा, आपकी किस्मत चमकेगी, उपाय भी बताएंगे और अगले इन 24 घंटे के समय अवधि में क्या सावधानी आपको व्रत नहीं है
वह सावधानी भी हम आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर सभी लाभ हानि के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से 3 बार हर हर महादेव जय माता दी जी का नारा लगा दीजिएगा। इससे आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे और आपको अपने जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आने वाली अगली 24 घंटे के अंदर पाप और पुण्य का हिसाब होने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने पाप का घड़ा भर चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे के भीतर आपको एक चौक संदेश दो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उसके लिए आप तैयार रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, यह मौका अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि इस बार परमात्मा खुद आपको मौके देने वाले हैं। अब आपके पास मौके ही मौके होंगे और लाभ ही लाभ होगा। बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही शानदार समय की शुरुआत हो चुकी है। अब आपके जीवन में अच्छे समय आने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों का परिणाम अब आपको ईश्वर देने वाले हैं। इसलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाला अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि में आप जो भी चाहोगे वह सब कुछ हासिल कर सकते हो, वह सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। ग्रह गोचर अभी आपके पक्ष में बन रही है, जहां एक तरफ किस्मत के सितारे आपके पक्ष में हैं, किस्मत का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रह गोचर भी आप ही के पक्ष में, आप ही के हित में कार्य करते हैं। इसलिए इतना शानदार और सुनहरा समय आपके जीवन में कभी नहीं आया होगा और ना ही कभी आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सालों बाद जाकर कुंडली में बनते हैं इस तरह के ग्रह गोचर। और जब ग्रह गोचर बनते हैं तब जातक को लाभ ही लाभ होता है, सभी छोटी बड़ी चीजों में सफलता मिलने लगती है, चाहे बिजनेस व्यापार हो, करियर कारोबार हो, नौकरी हो, या फिर बेरोजगार लोग, सभी के जीवन में उजाला आने लगता है। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी करवट लेने वाली है, अब आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी की आशीर्वाद से दो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। क्योंकि कब से ही यह दो बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपको अभी तक मिल नहीं पा रहा था, लेकिन इस बार ग्रह गोचर का प्रचंड संकेत मिल चुका है। अब आपको यह खुशखबरी हर हाल में मिलकर रहेगी। कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कब, कहां पर, कैसे मिलेगा, यही आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो फिर आज की है वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, जो खुशखबरी आपको अगले इन 24 घंटे के भीतर मिलेगी, सुनकर आपके दुश्मनों की नींद, भूख, चैन, प्यास सब गायब हो जाएंगे। जी हां, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा कि अचानक से आपकी किस्मत बदलेगी। जी हां दोस्तों, बता दें, यह समय का ही खेल है, क्योंकि समय बदलते रहता है। जी हां, अगर किसी का बुरा टाइम चल रहा है, बुरे समय कोई इंसान गुजर रहा है, उस पर हंसना मत, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। अगर कोई इंसान किसी को देखकर हंसना है, उनकी बुराई करता है, तो ईश्वर उस इंसान को उसी के जैसा बना देता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके दुश्मनों का बुरा समय शुरू हो चुका है, क्योंकि उनकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है। जी हां, आपके दुश्मनों को मिलेगा बहुत बड़ा दंड और आपकी राशि वालों को मिलेगा बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि यह समय की पहिया घूम चुका है। जी हां, क्योंकि पूरे मोहल्ले में आपका ही बोलबाला होने वाला है और ग्रहों की राजकुमार भगवान सूर्य देव जी अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है, बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है, और यहां तक मंगल का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। तो दोस्तों, शुक्र, बुध और मंगल, तीन तीन बड़े ग्रहण का मिलनसार होने वाला है और आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमकने वाला। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें तो आपकी किस्मत में 4 चांद लगने वाली है। जी हां दोस्तों,
आपकी किस्मत को देखकर पूरी दुनिया सलाम करेगी और साथ ही साथ आपके दुश्मन भी कहेंगे, काश मेरी भी किस्मत ऐसी होती। लेकिन दोस्तों, सोचने से कुछ नहीं होता है, ये सारा समय का ही खेल है। डंके की चोट पर आज हम आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत का निराला खेल शुरू होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे, सबसे आगे होगी आपकी किस्मत। जी हां, आपकी किस्मत के आगे सब कोई फेल है। जी हां दोस्तों, देख लो अपनी आंखों से भगवान की लीला, इसी को तो कहते हैं भगवान की अजब गजब लीला। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपको अपने जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी चलने जा रहे हैं एक नई चाल। जी हां, शनिदेव जी का यह चाल आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। जी हां, और अगले इन 24 घंटे के अंदर आपकी राशि वालों को ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो कि दोस्तों आप अपने दोनों आंखों से खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, मैंने कहा था ना इसलिए वीडियो में कि बहुत जल्द आपकी राशि वालों का किस्मत बदलने वाला है, को आखिरकार वह समय आ ही गया। अब आपका एक एक सपना सच होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। और जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी बंद किस्मत के ताले को देवों के देव भगवान शनिदेव जी ने खोल दिया है। जी हां, अब बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, एक बात आपने तो सुना ही होगा कि समय जिनके साथ देता है बड़े बड़ों का भी मार देता है। आमिर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब के घर भूखा बच्चा भी सब कुछ कर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उनकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जी हां, क्योंकि दोस्तों ये समय बहुत बड़ा बलवान है। जी हां, ये समय सब कुछ बदल देता है, इसलिए अगर अच्छा समय चल रहा है तो इतराएगा मत, घमंड मत कीजिएगा। और अगर बुरा समय चल रहा है, बुरे स्थिति से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र जरूर रखना, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना, क्योंकि यह समय बदल जाएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं दुख में पढ़ो तो मुझे खुशी हो और जब मैं खुशी में पढ़ूं तो मुझे दुख हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही प्यार से कहा, हे पार्थ, यह वक्त बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही कह रहे हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपके लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद पूरा परिवार ढोल बजाकर नाचेगा। जी हां, क्योंकि ऐसी खुशखबरी ना ही आपको मिला था और ना ही कभी मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अभी तुरंत देख लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। जी हां मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि जिस समय का आप सभी को था इंतजार, वह समय आ चुका है। जी हां, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, अब आपकी अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके घर में खुशी के शहनाई और ढोलक बजाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में जिन चीजों के बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं, जिन खुशखबरी के बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं, जानकर आपके दोनों आंखों से खुशी से आंसू टपकने लगेंगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जो चीज पाने के लिए पिछले समय से आप दिन रात मेहनत करते आ रहे थे, जी तोड़ प्रयास पर प्रयास करते आ रहे थे और भगवान के भी आगे हमेशा अपना सिर झुकाते थे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना कब स्वीकार होगी, आखिर वह चीज हमें कब मिलेगा जिस चीज की हमें जरूरत है। तो दोस्तों बता दें, अभी तक तो आपकी इम्तिहान चल रही थी, भगवान आपका परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि दोस्तों किसी को भी कोई बड़ा चीज देने के लिए भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान उस व्यक्ति को अच्छे से परखते हैं, जांचते हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है, आज आपकी किस्मत चमकने का दिन है। सितारे कहते हैं कि आज आपको कोई विशेष काम करना पड़ सकता है, आज अपने किसी नजदीकी व्यक्ति को खुश कर दें, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा,
फिर भी आज किसी को उधार ना दें, वापस नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आज नहीं होंगी। आप ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स में रुचि रख सकते हैं जो आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आप उनको ज्वाइन भी करेंगे, आप अच्छा खाना खाने की सोचेंगे, लेकिन इसके बारे में अधिक न सोचें, क्योंकि आप जब तक कठिन शारीरिक मेहनत वाला काम करके कैलोरीज खर्च कर लेते हैं, तब तक चिंता की कोई भी बात नहीं है। दिन के अंत में सारा काम खत्म करके आराम की योजना बनाएं। आज अपने अपने संबंधों में अधिक तर्क और सवाल जवाबों से काम लेंगे। किसी अच्छे आदमी के साथ इस तरह का औपचारिक व्यवहार उसे नाखुश कर सकता है, जिससे दिन असफलता में बदल जाएगा, जबकि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता था। अपनी और अपने पार्टनर की सेंसुअलिटी को नए सिरे से तलाश करें। आप आज कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लें। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो आपको एक दैनिक आधार पर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ वेतन में वृद्धि भी आएगी। इसलिए ईमानदारी से काम करते रहे और लगातार अपने आप को प्रेरित करते रहे। हो सकता है कि लाभ आज दिखाई न दे, लेकिन आप एक बेहतर जीवन के लिए कल की दिशा में काम कर रहे हैं। अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करें। घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी। इसीलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। तब आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। आज आपकी सेहत कुल मिलाकर बहुत अच्छी रहेगी। आई सिर तथा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई पुरानी समस्या सिर उठा सकती है। आई ठंड न लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे माइग्रेन तथा साइंस जैसी पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। आई दूसरी और आप कुछ दिनों से जिन स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन कर रहे हैं, उनका असर आज देखने को मिलेगा। आई वजन कम करने की कोशिश में आज सफलता मिलेगी। आज का दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और अपने प्रेम संबंधों में काफी संयमित थे, पर आपको ये एहसास होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगे। आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन वो बद्धी ही उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देगा देगी। यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें। ये धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये याद रखिए कि एकता में बल है, इसलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। आपकी भीतरी शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जा पाएंगे, अपने दोस्तों साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहां तर्क शक्ति से बात ना बने, अपने मन की आवाज सुने। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। विवादों से बचें, वे बाद में समस्या पैदा कर सकते हैं। आप आज ऊर्जा से भरे हैं, जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने साथ एक छाता रखें, नहीं तो आपको शाम तक सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर पाएंगे। आप इस मौके का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। आज सारे राज उनके सामने खोल दें और अपनी चिंताएं भी उन्हें स्पष्ट बता दें। इससे आपके संबंध में एक नई ताजगी आ जाएगी और आप दोस्तों तथा एक योद्धे के रूप में भी और करीब आ पाएंगे। आप में अति आत्मविश्वास पैदा होगा, क्योंकि आपके सारे कार्य बद्धी खूबसूरती के साथ क्रियान्वयन हो रहे हैं। आज समय है कि आप अपना कदम पीछे लें और सोचें कि वास्तव में आपके लिए क्या आवश्यक है, उसका मूल्यांकन करें और ध्यान दें कि आप अपनी क्षमताओं से क्या हासिल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाए। अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बद्धा रखें
तथा किसी बौद्धिक या व्यवसायिक प्रशिक्षण में हिस्सा लें, इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती हैं। अच्छी सेहत पाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस एक फिटनेस कार्यक्रम बनाकर उसके अनुसार चलें और आपकी सेहत उसी से अच्छी रहेगी। शरीर को रिलैक्स करने और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। आपको अपने लक्ष्यों को सच करने के लिए अपने सपनों की जिंदगी बिताने की जरूरत है। अगर आप सेहत अच्छी रखेंगे तो ही आपको इसका मौका मिल पाएगा। आपको इस समय और इस स्थिति में अपने पार्टनर के भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन शायद दूर रहने के कारण या कुछ अन्य कारणों की वजह से वे आपसे दूर हैं। आपकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी मिल पाने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही। कोशिश करते रहें और बहुत जल्दी आपको अपने पार्टनर के साथ रहने में सफलता मिलेगी। आज आपके कार्यालय में आपके और औरों के विचारों में भिन्नता रहेगी, चाहे वह आपका सहकर्मी, उच्च अधिकारी या आपका मालिक हो, चाहे वो कोई भी हो, पर निश्चय ही ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए आपको शांत मस्तिष्क से काम लेना है ताकि आप वाद विवाद से बचे रहे। आज आपको अपने खाने के बारे में अतिरिक्त सावधानी रखनी है। अपच और पेट की तकलीफ तो सामान्यतः हो ही सकती है, कईयों को इससे गंभीर तकलीफ भी हो सकती है। तले भुने खाने, जंक फूड और मीठे स्नैक्स से दूरी ही बनाए रखना ठीक होगा। अगर सही सावधानी नहीं रखी तो लंबे समय से बीमारी से परेशान व्यक्तियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यायाम हल्का करें या आराम करें, आपका बेहतरीन रहन सहन काफी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन उनमें से अधिकतर काफी चालाक हैं और आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मकता पर फोकस करें कि आप अकेले नहीं हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दें कि आप अकेले हैं। यह तो बस शुरुआत है और अभी आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी मुखर और प्रेरक रहेंगे। आपको ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य करने के अवसर मिलेंगे जहां साझेदारी से कारोबार होता हो और एक दूसरे की सहायता करना प्रमुखता हो। आप प्रमुख परियोजना को पूरा करने के लिए दूसरों को संगठित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि आपकी भूमिका के लिए प्रशंसा और सम्मान आपको मिलने की संभावना है और आपके धन का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहने की संभावना है। आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहरे से सोचे बिना जोखिम ना उठाएं। असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ दाच हो सकती है। आप आज विशेष रूप से शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव से कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं कि आप अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं और कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह समय अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर भी थोड़ा गंभीर होने के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस समय आपके गंभीर होने से सफलता की पूरी संभावना है। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल लें। आपकी भलाई इसी में है कि यदि आवश्यक हो तो आप सतर्क या यहां तक कि विद्रोही हो जाए। जो लोग अपने आप को ज्यादा जानकर या जानकारियों से पूर्ण मानते हैं, वे आज के दिन ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे पार पाना मुश्किल साबित हो सकता है। उनके आदेश का पालन करना आपको मुसीबत में ला सकता है। आपके व्यय अब नियंत्रण में है, जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे। आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। आप आज तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले कर सकते हैं, लेकिन वे भी वित्त के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे। आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्ता अपने मन की आवाज को देते हैं, लेकिन आपको भविष्य की बेहतरी के लिए वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। जो लोग आपको अपना करीबी समझते हैं,
आज आप उनके लिए प्यार और सहायता का स्रोत बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के साथ साथ अपनी सेहत को भी नजरअंदाज न करें। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए घर का बना खाना और यह तक कि पानी भी घर से लाएं। अपने समय का सीमांकन करें कि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना समय रखना चाहते हैं। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये समय अपने कृत्यों से उसे संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आए और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाएं। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को ये दर्शाएं कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं, तो दूरभाष के द्वारा उससे संपर्क साध सकते हैं। हालांकि आप ईमानदार और मेहनती हैं, पर आज सफलता आपकी पहुंच से दूर रह सकती है। कुछ मामूली गलतियां आपको परेशान कर सकती है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से बचे। आज का दिन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि ये दिन अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा। इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाश भी ले सकते हैं। आज आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इस मेहनत का आनंद लेने की बारी है। बहुत बड़ी पार्टी ना रखें। छुट्टी का दिन शांति से बिताएं। अपने किसी विशेष प्रियजन से बात कर लेने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। अगर पिछले कुछ समय से आप अपने वजन को लेकर परेशान हैं, तो आज आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। संतुलित भोजन और एक्सरसाइज का एक स्वास्थ्यकर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप अपने इस कार्यक्रम में आसपास से किसी की मदद और सलाह ले सकें, तो आपकी सफलता की संभावना काफी हद तक बारहक जाएगी। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे महसूस करेंगे। एक शुष्क पथज डच के बाद आपके जीवन में प्यार के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। कुछ समय से आपका प्रेमी आपकी अनदेखी कर रहा था, लेकिन अब वह अपने प्रयासों को दुगना करेगा ताकि इस अनदेखी की भरपाई हो सके। प्यार में आक्रामक न हो, बल्कि उन पलों को याद करें जो कि आपके लिए इतने महत्वपूर्ण थे। आपको अतीत की शिकायतों और पछतावों को पीछे छोड़ देना होगा। आपका व्यवहार आज याद रखने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिले एवं उनसे सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहां से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें।